तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन और सेवन डायनेस्टी के सभी लोग लगातार उस मार्क्समैन पर अटैक किए चले जा रहे होते हैं। अब इससे उस मार्क्समैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों पर अपने सोल शॉक टेक्निक का यूज करता है। अब उस टेक्निक से सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है और यह देखते ही क्वेन चैन सोचने लगता है यह टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई भी मार्शल किंग रैलम के मिडल स्टेज का पर्सन इस टेक्निक से नहीं बच सकता है, तो मुझे इन लोगों की मदद करनी होगी। और यह बोलते हुए वह एक बैरियर बनाकर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है, जो देखते ही वह मार्क्समैन एक फॉर्मेशन बनाते हुए क्वेन चैन द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। पर तभी क्वेन चैन एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाते हुए उस मार्क्समैन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर वह मार्क्समैन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी कहाँ से आई और आखिर तुम मेरे सोल शॉक टेक्निक का सामना कैसे कर सकते हो? तभी क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लगातार कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से मार्क्समैन पर अटैक करता है, जो देखते ही वह मार्क्समैन एक बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। यह देखते ही सेवन डायनेस्टी के सभी लोग भी एक साथ मिलकर काफी तेजी से उस मार्क्समैन पर अटैक करते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वेन चैन अपने पास से डिवाइन मिरर को बाहर निकालता है और अब वह उस डिवाइन मिरर की पावर को बढ़ाते हुए एक काफी खतरनाक अटैक मार्क्समैन पर करता है। अब उस अटैक से मार्क्समैन की हालत खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्वेन चैन, मैं एक इमॉर्टल हूँ और तुम इस तरह मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने ऑरा प्रेशर से सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके ऑरा प्रेशर से सेवन डायनेस्टी के सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। तभी मार्क्समैन बोलता है, आज तुम लोगों की वजह से मेरा मिशन यहाँ पर फेल हो गया, पर मैं कसम खाता हूँ कि जिस दिन मुझे मेरी पूरी पावर मिल जाएगी उस दिन मैं 100 डायनेस्टी में खून की नदी बहा दूंगा और मैं तुम सभी लोगों को सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगता है। तभी माओ काफी तेजी से उसके सामने जाते हुए उस पर एक अटैक करता है। अब वह मार्क्समैन अपने एक हाथ से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर घायल हो जाता है और अब वह अपनी जान बचाते हुए काफी तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी क्वेन चैन माओ के पास आता है। अब माओ बोलता है, क्वेन चैन, वह ट्रेजर इस जगह पर मौजूद नहीं है, इसका यह मतलब है कि उस मार्क्समैन ने उस ट्रेजर को चुरा लिया, तो हमें कुछ भी करके उससे वह ट्रेजर छीनना पड़ेगा। यह बोलते हुए माओ काफी तेजी से उस मार्क्समैन के पीछे भागता है। अब फाइट खत्म होने के बाद सेवन डायनेस्टी के सभी लोग वहां पर चैन की सांस लेते हैं और अब एक ओल्ड मैन बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना इतने पावरफुल किसी पर्सन से होगा और हम अभी यहाँ पर बस मरते मरते ही बचे हैं, तो अब हम सभी लोगों को यहाँ पर एक साथ मिलकर ब्लड डीमन सेक्ट के लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम सभी एक साथ ब्लड डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके, वरना फ्यूचर में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तभी क्वेन चैन बोलता है, अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तो तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मुझे उस मार्क्समैन के पीछे जाना है। तभी वह ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, क्वेन चैन, ऐसी गलती मत करो, मुझे अभी भी लग रहा है कि उस मार्क्समैन ने हमसे फाइट करने के दौरान अपनी आधी पावर का भी यूज नहीं किया है, तो तुम्हें अकेले यह खतरा नहीं उठाना चाहिए, यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी सांगवान बोलता है, क्वेन चैन, मेरे ख्याल से उस मार्क्समैन को हेवनली डीमन रैलम के कोने कोने के बारे में पता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसका पीछा करके उसे पकड़ सकते हैं, और अगर वह तुम्हें अपने पीछे भगाते हुए किसी खतरनाक जगह पर ले गया तो तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। क्वेन चैन बोलता है, मेरे ख्याल से यही सही मौका है उस मार्क्समैन को मारने का, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसकी पावर रिकवर हो जाएगी, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ 100 डायनेस्टी पर अटैक कर सकता है।
और फिर हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। पर मैं तुम लोगों को मेरे साथ आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, पर यहाँ से जाने से पहले मुझे यहाँ पर एक काम करना है। और अब वो अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डिंक्विन यू की ओर देखने लगता है, जो देखते ही डिंक्विन यू डर जाता है। क्विंचन बोलता है, डिंक्विन यू, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनते ही डिंक्विन यू अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर तभी क्विंचन काफी तेजी से उसके सामने आते हुए अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, पर डिंक्विन यू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह बोलने लगता है, क्विंचन, मैंने यहाँ पर इतने पावरफुल अपोनेंट से फाइट करने में तुम्हारी मदद की, पर इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम उस मार्क्समैन को कभी नहीं हरा पाते। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, क्विंचन, मैं मानता हूँ कि डिंक्विन यू ने पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर तुम्हें अभी शांत होने की जरूरत है। हम सभी एक साथ मिलकर इसे कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दे सकते हैं, इसे जान से मारने की कोई जरूरत नहीं। तभी क्विंचन बोलता है, शायद से तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि फाइट के दौरान डिंक्विन यू और उसके कुछ साथी कितनी आसानी से तुम सभी लोगों के पीछे छिपकर तुम सभी लोगों को फाइट करते हुए देख रहे थे, और अगर यह लोग हमारी फाइट में मदद करते तो हम उस मार्क्समैन को काफी पहले हरा देते। अब यह सुनते ही डिंक्विन यू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचन को पीछे धकेल देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। और अब वह भागते हुए क्विंचन पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही क्विंचन एक स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह वहां पर डिंक्विन यू को पकड़ लेता है। यह देखते ही लिसान डिंक्विन यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी क्विंचन अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करते हुए डिंक्विन यू को मार देता है। अब लिसान गुस्से में एक काफी खतरनाक अटैक क्विंचन पर करता है, पर क्विंचन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिसान बोलता है, क्विंचन, तुमने यहाँ पर डिंक्विन यू को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तो अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और यह बोलते हुए वह एक डीमन फेस से क्विंचन पर अटैक करता है, जो देखते ही क्विंचन कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस डीमन फेस को कमजोर करता है और फिर एक स्लैश टेक्निक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्विंचन हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम सभी लोगों को अब दिखाई दे रहा है, फाइट के बाद तुम सभी लोगों की हालत यहाँ पर खराब है, पर डिंक्विन यू और लिसान अभी भी अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने हमारी फाइट में बिल्कुल भी मदद नहीं की, यह लोग बस खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। यह सुनते ही लिसान चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचन, बकवास करना बंद करो, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह बोलते हुए वह एक काफी खतरनाक अटैक क्विंचन पर करता है, पर क्विंचन काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त लिसान अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए डेथस्केप टेक्निक का यूज करता है। अब यह देखकर क्विंचन उस जगह पर स्माइल करने लगता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।